22वें दिन भी रूस की भारी गोलाबारी जारी है। अब से थोड़ी देर पहले खेव शहर में दो बड़े धमाके सुनाए दिए। उधर मारियोपोल में रूसी फौज ने भारी बमबारी की, एक ही बार एक कई ठिकानों पर रूसी सेना ने मिसाइलें डाली। कीव में भी रूसी हवाई हमले जारी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में केव शहर में धुएं के गुब्बार उठते दिख रहे हैं। खार्किव में रूसी फौज ने सुपरमार्केट पर गोले दागे, हालांकि खरीदारी करने के लिए वहां पर जो लाइन लगी थी वो लोग वहां अफरा तफरी का माहौल उस वक्त मचा जब वहां बम फटा। उधर खेरसन में बढ़ रही रूसी सेना को रोकने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। रूसी फौज ने गोलियां बरसानी शुरू की हैं। तो खार्किव में सुपरमार्केट पर जहां पर लाइन लगी हुई थी, लोग पहुंचे थे सामान खरीदने के लिए, वहां पर भी धमाका हुआ है। राजेश पवार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। राजेश, सबसे पहले बताइए किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। 27वां दिन है, क्या हमले अभी भी हो रहे हैं और नागरिकों की अब जान जा रही है, क्या कुछ आंकड़े भी सामने आए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कीव की स्थिति बता दूं। कीव में आज पूरी तरह से कर्फ्यू है। कहीं भी किसी तरह की कोई मूवमेंट बाहर अलाउड नहीं है। जर्नलिस्ट को भी बाहर जाना अलाउड नहीं है। इसके अलावा अभी 15 मिनट पहले यहाँ दो बड़े धमाके हुए हैं पूर्व की तरफ, और मैं उस सड़क के ऊपर हूं इस वक्त, जो मेन रोड है जो पूर्व की तरफ जाता है। यहां से मैंने कई एम्बुलेंस गाड़ियां भी जाती हुई देखी हैं, जो इस बात की तरह संकेत करती हैं कि शायद काफी लोग जख्मी या हताहत हुए हैं, इसलिए यहाँ काफी एम्बुलेंस गाड़ियां उस तरफ गई हैं। ये थी हालत कीव की। कीव के आसपास की लड़ाई में थोड़ी नरमी है पिछले 6-7 दिन से, जिसको मैं बार बार बता चुका हूं कि ये सप्लाईज के लिए एक विराम है, ताकि जब रूसी फौज की सप्लाईज पूरी हो जाएंगी या बातचीत में कोई ब्रेकडाउन आएगा तो अचानक वो हमला करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा जो आपने बात की खरसोन की, खरसोन में ये कल की बात है जब वहां एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर फ्रीडम स्क्वायर में गोलियां चलाई गई हैं मिलिशिया या आर्मी के द्वारा, और स्टन ग्रेड्स ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया है भीड़ को तीतर बितर करने के लिए। जहां तक खार्किव का सवाल है, देखिए खार्किव में ज्यादातर इलाके में रूसी फौज का कब्जा है इस वक्त। शहर के अंदर जो धमाका हुआ है, हो सकता है धमाका दूसरी तरफ से भी हो सकता है, यूक्रेनियन फौज की तरफ से भी हो सकता है, मिलिशिया की तरफ से भी हो सकता है। तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि रशियन फौज ने धमाका किया है वहां पे, डिपेंड करता है वो एरिया किसके कंट्रोल में है। अगर रूसी फौज के कंट्रोल में है वो इलाका तो हमला दूसरी तरफ से हुआ है, और अभी भी अगर वो यूक्रेन के कंट्रोल में है तो फिर निश्चित तौर पे वो रूसी फौज की तरफ से हुआ है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी कॉशन के साथ देखनी पड़ेगी जो अभी युद्ध फील्ड से आ रही है। ओवर टू यू राजेश। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में धमाके हो रहे हैं, अब वो जगहों पर भी हमने उन जगहों पर भी तस्वीरें देखी हैं धमाकों की, जहां सुपरमार्केट के बाहर लाइनें लगी हैं, लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वहां पर भी धमाके हो रहे हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि जहां लोग हैं आम नागरिक वहां धमाके नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये बीते 3-4 दिनों में हम देख रहे हैं ये बढ़ता चला जा रहा है। आम नागरिकों की कितनी मौत हुई है, कोई जानकारी? देखिए, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, बिकॉज किसी ने अभी इनकी पुष्टि नहीं की है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया इस पे कितने लोग मरे हैं। लेकिन बिल्कुल सही बोला आपने कि जो सिविलियन एरियाज हैं उन पे अटैक बढ़ रहे हैं लगातार, सिविलियन कैजुअलिटीज लगातार ज्यादा हो रही हैं, चाहे वो खरसोन में हो, चाहे वो मरियोपोल में हो, चाहे वो खार्किव में हो, हर जगह से हमें ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा चेताना चाहता हूं इसके ऊपर कि ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा है। जैसे दोनेस्क जो सिटी है जो कि मिलिशिया के अंडर है, रशियन बैक्ड मिलिशिया के अंडर, वहां यूक्रेनियन फौज ने मिसाइल्स दागी हैं जिनमें सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये कार्रवाई दोनों तरफ से बराबर की हो रही है, ये मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं। आप रहिए जरा राजेश साथ। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें भी आई हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर फ्रीडम स्क्वायर पर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने देश का झंडा लिए पहुंचे और यूक्रेन का झंडा लिए वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि यहां युद्ध की समाप्ति हो जानी चाहिए। लेकिन वहां पर देखिए किस तरीके से धमाके होते हैं। खेरसन की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आवाज सुनते हुए, गोलियों की आवाज सुनते हुए जो लोग हैं वो वहां से भागने लगते हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, यानी लोग इस वक्त इस माहौल में भी ये अपील बार बार कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, वो इस बात को लेकर कि जो भी स्थितियां बनी हुई है युद्ध की उनकी समाप्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थितियां देखते देखते 27वां दिन है, लोग अभी भी इसी तरह युद्ध के बीच में रहने को मजबूर हैं। हर तरफ जहां तक नजर जाएगी वो सुंदर केव, वो सुंदर यूक्रेन अब तबाही के ढेर सा नजर आना शुरू हो गया है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई ऐसी जगह है जहां पर
सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। इसी बीच ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, फ्रीडम स्क्वायर पर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे कि वहां जिस तरीके के हालात बने हैं, इन हालातों को रोकना चाहिए, इसके लिए चाहे जिसकी जिम्मेदारी हो उसको तय करके जल्द से जल्द ये हमले रोकने चाहिए। वहीं ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सुपरमार्केट में ये जोरदार धमाका हुआ, खार्किव की ये तस्वीरें हैं जहां पर लाइन में लोग लगे नजर आ रहे हैं। हालात जरा आप समझिए, 27वां अगर दिन है, ऐसे में खाने पीने का संकट लोगों के सामने है, पानी पीने के लिए उनके पास नहीं है, लोग सुपरमार्केट में पहुंच रहे हैं, सामान जल्द से जल्द अपने राशन को इकट्ठा करके वापस बंकरों में पहुंचने की कोशिश में थे। लेकिन उसी वक्त जब ये लोग वहां लाइन लगाकर खड़े हैं, जोरदार एक धमाका होता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लोग जहां थे वहीं से भागना शुरू हो जाते हैं। तो ये खार्किव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो रूस के हमले लगातार जारी है, 27वां दिन है और ये हमले अब बढ़ते हुए खासतौर पर रिहायशी इलाकों को भी अब रूस जो है वो निशाना बना रहा है।